हिंदी ग्रामर कराने जा रहा हूँ क्लास 9-10 आप लोगों को ग्रामर। मैं जस्ट शुरू से थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को दिखला दे रहा हूँ कि क्या क्या है। पहला तुम लोगों को कारक है, मैं रिवीजन में जा रहा हूँ कारक। तो कारक किसे कहते हैं? कारक क्रिया को करने वाला या संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप में से जो वाक्य को अंश शब्दों के साथ ज्वाइन करे जोड़ता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, तुम लोग विभक्तियाँ याद जरूर करोगे। पहला क्वेश्चन लिखोगे कारक किसे कहते हैं और कारक के कितने भेद होते हैं। अच्छा, कारक के भेदों को विभक्तियाँ लिखने के लिए, तो कारक के भेद कर्ता का विभक्तियाँ है ने, क्रम का क्यों, करण का से, इस टाइप से तुम लोग इसको लिखकर तैयार कर लोगे। और कर्ता कारक के 3 भेद होते हैं, ठीक है। कर्म कारक ये सब को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन लिख लो, ने का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है, पहला क्वेश्चन इसको कर लोगे। दूसरा, ने का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, क्रम में को का चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, ये कर लोगे। इसका कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वो सब कर लोगे। कारक किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। कारक के कितने भेद होते हैं, वो करण और अपादान कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए, पहला। और उसके बाद, और कारण किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, यानी मैंने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, अच्छा, उसके बाद 7 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर और 10 नंबर 11 नंबर, ये तुम लोग क्वेश्चन को कर लोगे, क्योंकि ये चैप्टर तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। अब मैं उसी के ऊपर थोड़ा सा ये सब रिवीजन कर दे रहा हूँ, क्योंकि अब फाइनल परीक्षा सामने तुम लोग आ गया है, ठीक है। जो लोग माध्यमिक क्लास 10 में हैं, वो लोग का सामने बोर्ड है, सिलेक्शन है, उसके बाद बोर्ड है। और जो लोग 9 में हैं, उन लोग तैयारी इसको अच्छी तरह से करके रखो। उसके बाद मैं समास में आ रहा हूँ। समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, ठीक है, ये देख लोगे। और एक नज समाज किसे कहते हैं, नज समाज किसे कहते हैं, ठीक है, इसे देख लो कि दिगु समाज किसे कहते हैं, ठीक, ये सब को थोड़ा सा देख लो। और इसका पूरा क्वेश्चन आंसर को आप लोग करके रखोगे, पूरा MCQ से जो चालू होती है वहाँ से लेकर लास्ट तक इसका करोगे। जो नहीं होगा हो मुझसे क्वेश्चन करोगे, क्योंकि तुम सब व्हाट्सएप पे हो, तुम लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं बता दूंगा, ठीक है। बस आज तुम लोग का यही, मैं 2 चैप्टर तक करवाया हूँ इंग्लिश हिंदी ग्रामर। अब आप लोग करके और पहले का होमवर्क भी देख लेना, मैथ का होमवर्क भी मैं भेजा हूँ, देख लोगे, ठीक है। ओके भाई।